हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ओमवीर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। तो देखिए, आज मैं आरआरबी एनटीपीसी की कट ऑफ बताने वाला हूं कि इसकी कट ऑफ क्या जा सकती है। आप सभी को पता ही है कि 15 जनवरी को आपका रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट से पहले आपको ये जानना भी ज़रूरी है कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं, क्या आप उस कट ऑफ में हो पाओगे या नहीं हो पाओगे। तो देखते हैं जॉन वाइज कट ऑफ किस जोन की कितनी रह सकती है। तो देखिए, मेरे पास सारे जोन हैं और मैं सभी जोनों की कट ऑफ आपको बताने वाला हूं। और तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे इलाहाबाद जोन की। सबसे पहले बात करेंगे इलाहाबाद जोन की कि इलाहाबाद जोन में कट ऑफ कितनी रह सकती है। तो बात करूं मैं जनरल की, तो जनरल की जो कट ऑफ जाएगी 70 जाएगी। क्यों जाएगी? क्योंकि यहाँ थोड़ा कंपटीशन हाई रहेगा, कंपटीशन थोड़ा हाई रहने वाला है। तो यहाँ की जो कट ऑफ है जनरल की 70 आएगी, और ओबीसी की जो कट ऑफ जाएगी 68 ही रहने वाली है, क्योंकि ओबीसी और जनरल में यहाँ ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ वहीं 65 जाएगी, और एससी की कट ऑफ 58, और एसटी की कट ऑफ 44 जाने वाली है इस जोन की। तो इतनी यहाँ की कट ऑफ जाने वाली है। इसके बाद बात करेंगे अजमेर की, तो अजमेर की जो कट ऑफ जाएगी जनरल की जाएगी 71 जाएगी, और ओबीसी की कट ऑफ जो जाएगी 66 जाएगी, और ईडब्ल्यूएस की 62 जाने वाली है, और एससी की कट ऑफ जाने वाली है 57, और एसटी की जाने वाली है 53। ये इन दोनों जोन की कट ऑफ है। तो कोलकाता की बात करेंगे, तो कोलकाता की जो कट ऑफ जाने वाली है, अगर मैं जनरल की बात करूं तो 70 जाएगी, और ओबीसी की बात करूं तो 64, और ईडब्ल्यूएस की जो जाएगी वो 63 कट ऑफ जाने वाली है। वहीं एससी की कट ऑफ 55 जाएगी, और एसटी की जो कट ऑफ जाएगी 50 जाएगी। इसके बाद बात करेंगे चंडीगढ़ जोन की, तो चंडीगढ़ जोन की जो यहाँ थोड़ा और ज़्यादा थोड़ा कंपटीशन हाई रहेगा, तो जनरल की जो कट ऑफ है 72, और ओबीसी की 65 जाएगी, और ईडब्ल्यूएस की 64 जाएगी, और एससी की जो कट ऑफ जाएगी 57, और एसटी की 52। इतनी कट ऑफ जाएगी, और ये नॉर्मलाइज होने के बाद की कट ऑफ है। इसको पहले की कट ऑफ ना समझें, क्योंकि नॉर्मलाइज होने के बाद ही ये कट ऑफ बनाई है मैंने, कि नॉर्मलाइज में आपके जो भी नंबर बढ़े, 6-7 आपके नंबर कम से कम बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। अगर आपके ये समझिए कि जनरल के इलाहाबाद से अगर आपके 60 या 62 नंबर आ रहे हैं, तो आपका पूरा चांस है कि आपके 70 में आप वहां क्वालिफाई कर जाओगे। इसके बाद बात करेंगे मुंबई जोन की, तो मुंबई जोन की जो जनरल की कट ऑफ है वो 68, और ओबीसी की जो कट ऑफ रहेगी वो 62 रहने वाली है, और ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ रहेगी वो 60, और एससी की 52, और एसटी की 49 कट ऑफ यहाँ की रहने वाली है। इसके बाद बात करेंगे रांची की, तो रांची की जो कट ऑफ रहेगी वो 69 रहेगी, और यहाँ की जनरल की 69, और ओबीसी की 60 रहने वाली है। ईडब्ल्यूएस की वहीं कट ऑफ देखी जाए तो 58 रहेगी, और एससी की कट ऑफ 50 रहने वाली है, और एसटी की जो कट ऑफ रहेगी वो 45 कट ऑफ एसटी की यहाँ से रहेगी। इसके बाद अहमदाबाद की बात करेंगे, तो अहमदाबाद में जो कट ऑफ रहेगी जनरल की 70 रहेगी, ओबीसी की 66 रहेगी, ईडब्ल्यूएस की रहेगी 64 रहेगी आपकी, और एससी की 53 रहने वाली है, और एसटी की जो कट ऑफ रहेगी यहां से आपकी 50 कट ऑफ रहने वाली है। इसके बाद बात करेंगे पटना जोन की, तो पटना की जो कट ऑफ रहने वाली है जनरल की बात करें तो 68 रहेगी, ओबीसी की बात करें तो 62 रहेगी, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 61 कट ऑफ यहाँ की रहने वाली है, और एससी की बात करें तो 56, और एसटी में 51 यहाँ की कट ऑफ रहेगी। वही बात कर लेते हैं अब भोपाल की, जो भोपाल की कट ऑफ रहने वाली है थोड़ी हाई रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ की जो जनरल की कट ऑफ रहेगी वो 71 रहेगी, और ओबीसी की जो कट ऑफ रहेगी वो 67 रहेगी, और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जो रहेगी वो 63 रहने वाली है, और वहीं एससी की बात करें तो 55, और एसटी की बात करें तो 51 इस जोन की कट ऑफ रहने वाली है। अब बात कर लेते हैं बैंगलोर की, तो बैंगलोर की जो कट ऑफ जाने वाली है जनरल की 65, ओबीसी की 64, ईडब्ल्यूएस की 62, एससी की 58, और एसटी की 53 कट ऑफ यहां की रहने वाली है। इसके बाद जम्मू की जो कट ऑफ रहेगी जनरल की 66 रहेगी, ओबीसी की 62 रहेगी, ईडब्ल्यूएस की 60 रहेगी, और एससी की 54, और एसटी की 50 कट ऑफ यहाँ की रहने वाली है। अगर इसके बाद बात करें मालदा जोन की, तो मालदा जोन की जो जनरल की कट ऑफ जाएगी वो 67 के आसपास रहेगी, ओबीसी की 63, ईडब्ल्यूएस की 60, और एससी की 55, और एसटी की 51 यहाँ की कट ऑफ रहने वाली है। इसके बाद बात करेंगे गोरखपुर की, तो गोरखपुर की जो कट ऑफ रहेगी जनरल की थोड़ी हाई रहेगी, 70 रहेगी, और ओबीसी की 66 रहेगी, ईडब्ल्यूएस की 61 रहेगी, और एससी की 56 रहेगी, वहीं एसटी की कट ऑफ रहने वाली है 52 रहने वाली है।
अब बात करेंगे त्रिवेंद्रम की, तो त्रिवेंद्रम की जो कट ऑफ रहने वाली है जनरल की जो रहेगी 68 रहेगी, ओबीसी की 64 रहेगी, ईडब्ल्यूएस की 59 रहेगी, एससी की 53 रहेगी, वहीं एसटी की जो कट ऑफ रहने वाली है वो रहने वाली है 48 कट ऑफ आपकी रहने वाली है। अब बात कर लेते हैं भुवनेश्वर जॉन की, तो भुवनेश्वर जॉन की जो कट ऑफ रहेगी अगर वहीं जनरल की बात करूं तो मैं 70 के आसपास कट ऑफ रहने वाली है, ओबीसी की 65 रहेगी, ईडब्ल्यूएस की रहेगी वो 60 रहेगी, और एससी की आपकी कट ऑफ 55 और एसटी की आपकी कट ऑफ 50 जाने बाली है। इसके बाद बात करेंगे सिलीगुड़ी की, तो सिलीगुड़ी की जो कट ऑफ रहेगी आपकी वो जनरल की 68, ओबीसी की 63 और ईडब्ल्यूएस की 58 और एससी की 54 और एसटी वालों की जो कट ऑफ रहेगी वो 49 यहाँ की कट ऑफ रहने वाली है। अब बात करेंगे मुजफ्फरपुर की, तो मुजफ्फरपुर की जो कट ऑफ रहेगी वो अगर जनरल की बात करूं तो थोड़ी कम रहेगी, 66 रहेगी, ओबीसी की 61 रहेगी, ईडब्ल्यूएस की 57 रहेगी और एससी की जो कट ऑफ रहेगी वो 53 रहेगी, एसटी की 48 कट ऑफ रहने वाली है। तो देखिए मैंने सभी जोनों की जोन वाइज आपको कट ऑफ बता दी है और आप देख सकते हैं कि आपके कितने नंबर हैं, तो आपका 72 में नंबर आ जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मैंने आपको पूरा कट ऑफ का पूरा विश्लेषण बता दिया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कमेंट मेरे पास आते थे कि सर वहाँ की कट ऑफ कितनी जाएगी, वहाँ की कट ऑफ कितनी जाएगी, तो मैंने सोचा ना कि क्यों हर जोन की मैं जोन वाइज ही कट ऑफ बता देता हूँ, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है, क्योंकि इतने ज़्यादा कमेंट जो भी मैं जब भी मैं लाइव आता था तब भी कमेंट बहुत ज़्यादा कट ऑफ के ही आते थे। तो अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और जो मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी बेहतरीन बेहतरीन जानकारी और मैथ की क्लास मेरे चैनल पर आपको मिलती रहती है, क्योंकि आपको कैसे सिलेक्शन लेना है वो जानकारी मैं आपको देता रहता हूँ। तो बस इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।